बहुत अच्छी फीलिंग है, मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता। मैं खुद वो चीज़ फील नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जब भी किसी इंडियन किसी टीममेट से मिल रहा हूँ और जो उनके चेहरे पे उनके इमोशंस में देख रहा हूँ, तब मुझे वो फील आ रही है बार बार। आई एम गेटिंग दैट गूज बम्स की आई हैव डन समथिंग वेरी ह्यूज फॉर द कंट्री। फाइनल के लिए जब उतरे थे आप, तो क्या फीलिंग थी और क्या लग रहा था? क्योंकि कभी कभी ना सिल्वर और गोल्ड में ये एक फर्क हो जाता है कि वो आपको इंडिया का रैंकिंग को मेडल टैली को ऊपर पहुंचा देता है, तो इस फीलिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं व्हेन आई केम टू द टूर्नामेंट, मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मैं इंग्लैंड प्लेयर के साथ में फाइनल खेलूंगा, बिकॉज मैं फर्स्ट सीड था, वो सेकंड सीड था। एंड हम पूरे साल काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके आए हैं दोनों, काफ़ी जगह हमने अच्छे मैचेस फाइनल्स खेले हैं। तो आई वॉज न्यू दैट आई हैव टू प्ले हिम इन द फाइनल, बट मैं एक एक मैच प्रिपेयर करके खेल रहा था, और जब फाइनल की बारी आई तो आई न्यू कि मेरे से ज़्यादा प्रेशर उस पर है, बिकॉज आफ्टर प्रमोद भैया मिसिंग आउट द पैरालंपिक्स, ही वॉज द हॉट फेवरेट टू विन द गोल्ड, बिकॉज ही हैज सिल्वर इन टोक्यो एंड देन ही वॉज कंसिस्टेंटली विनिंग अगेंस्ट एवरीवन। मैं कभी उससे जीता नहीं था पिछले पूरे सर्किट में, सो ही वॉज द हॉट फेवरेट टू विन, एंड देन सो आई न्यू कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, दैट ही हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड एवरीथिंग। सो आई न्यू दैट आई जस्ट हैव टू स्टे काम और देन इट विल कम माई वे, एंड दैट्स वॉट हैपन्ड राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द गेम। मेरे को फील हो रहा था कि ही इज़ नर्वस, इज बींग गोइंग इम्पेशेंट, तो मैं बस उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। बीच बीच में आई स्लिप्ड अवे इन बिटवीन, बट या इट फील्स गुड कि फाइनली इट एंडेड आवर वे एंड एन इंडिया गॉट द मच डिजर्विंग एंड मच रिटेनेबल गोल्ड मेडल, एंड इट्स आई एम वेरी हैप्पी दैट SL3 हैज रिटेन्ड देयर पैरालंपिक गोल्ड मेडल। आप वो लम्हा डिस्क्राइब करिए अपने शब्दों में, जब आप खड़े हुए पोडियम पे, फ्लैग सबसे ऊपर था और नेशनल एंथम बजा। मैं आई लिव दिस फीलिंग बिफोर ड्यूरिंग द एशियन पैरा गेम्स, बट पैरालंपिक वॉज वेरी डिफरेंट, वेरी ह्यूज। आई डिडंट गेट टीयर्स इन माई आईज, बट आई हैड द गूज बम्स एंड करंट इन होल ऑफ माई बॉडी, और मैं उस टाइम पे कुछ फील नहीं कर पा रहा था। आई फेल्ट नम एंड इट वॉज जस्ट आई गॉट अ फ्लैश बैक ऑफ ऑल माई जर्नी फ्रॉम टोक्यो टिल पैरिस, हाउ इट्स बीन, हाउ टायरिंग द टूर्नामेंट्स हैव बीन, हाउ टायरिंग द स्केड्यूल हैज बीन, एंड वॉट ऑल थिंग्स आई हैव सेक्रीफाइज फॉर this, and then at the end everything felt worth, and I kind of had a flashback of my parents image in my mind, where because just before the medal ceremony maine unse baat ki thi, and then they had tears in their eyes, so wo it was a flashback of everything in a very small moment. अभी मेडल जीतने के बाद देश को क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासी? मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं आई एम नॉट एबल टू ओपन माई सोशल मीडिया बिकॉज इट्स बीन फ्लडेड विथ विशेज एंड ब्लेसिंग्स, बट मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने, बड़ों ने आशीर्वाद और बच्चों छोटों ने अपना सपोर्ट रखा, अपना स्नेह रखा मेरे लिए, और मैं सबके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा और इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल जीत पाया। ये आपको और हंग्रियर बनाता है फ्यूचर के लिए? मैं अभी उस बारे में सोच नहीं रहा हूँ, बिकॉज मैं पैरालंपिक्स तक का आई हैड माय स्मॉल स्मॉल गोल्स एंड एट द एंड द अल्टीमेट गोल, सो वो जीतने के अचीव करने के बाद में नाउ आई जस्ट वांट टू गो बैक एंड एंजॉय बिफोर सेटिंग अनदर गोल फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर, इट्स माय फर्स्ट पैरालंपिक्स एंड आई एम सो हैप्पी, एंड I think it's not like kind of luck or something, because I have put a lot of hard work for this. I think I have gained for what I have done. I'm very happy and I feel so blessed. Talking about your performance, your everything, when you came you were confident that you will make it to the final, and you are disappointed that you missed out on a gold? After the match it was quite disappointing, the result was, but I feel like I didn't lose gold, I have won silver medal to our country, so that makes me so proud and happy. Who would you like to dedicate this medal to? This medal I like to dedicate it to my father first, because he is the one who made me into sports and to choose badminton, and I'll dedicate to my coaches and my trainer Raju sir and Gopi sir, everyone who it's not my I think it's not my victory, it's a teamwork. So I will dedicate to all Bai, PCI, Sai, they have helped us a lot to reach this level. So thank everyone. After winning this medal, what message you would like to give to the country? I think para sports is like being getting to known by everyone, I think so. So keep supporting us, encourage us. Yeah. And
talking about here, people, you're roaming around in Paris and people are seeing a medalist and they are getting a picture click, selfie click. Does it feel like a celebrity moment for you? It feels like a dream come true moment because participating in a Paralympic was my dream. So getting a silver medal, it's a very, very big thing. So yeah, it feels like a celebrity thing. I'm very proud, very happy that my hard work, my coach's hard work and my parents' hard work have paid. And I'm not returning home with empty hands. I'm coming back with a medal for our country. And I'm so happy and proud. So Manisha, before coming here, what was the thinking behind you? Were you excited or you were nervous, goosebumps? What was going on in your mind that time? I was excited and nervous as well. I had one of the toughest to draw. I faced both the top players of world in my group stage, but I made it through. I have just cleared my draws and I was really happy and I gave my best in all the matches I played. And I'm coming back with a bronze. I'm very happy. So now you are here in Paris after winning the medal, enjoying watching Eiffel Tower. People are asking you for a picture, selfie. How does it feel like a celebrity? Yeah, I'm feeling quite good and it's new for me in this moment because I'm not that famous before, but now I'm getting recognition. It's a new feeling. So now what message you would like to give to your country after winning this medal? So I just want to tell all my fellow people, whoever are pursuing dreams in their sports, please continue with that. Don't give up. Thank you. And when you were on the podium, when Indian flag was going up, how was that feeling? It was surreal. I was just quite emotional. And it was just whole different feeling I had. Proud, happy, emotional. All kind of feeling I had during that podium moment.